हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शंस जो कि चल रहा है। ऑलवेज़ वेयर योर पीपीई। पीपीई के बारे में बात करेंगे कि हम जब भी सेफ्टी रखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो हम उन पीपीईज के साथ साथ कैसे सेफ्टी मेंटेन रख पाते हैं, है ना। तो देखिए क्या होता है, आपको अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर आप वेयर करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स, जैसे मैंने हर बार आपको बताया, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनके लिए अगर आप खुद सेफ़ रहेंगे, खुद को सेफ़ रखना चाहते हैं, खुद से आने से पहले जो भी एक्सीडेंट्स हैं उनसे बचना चाहते हैं, तो आपको देखिए सबसे पहले पीपीईज वेयर करना होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन साइट की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा ही होता है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन साइट में जाना है, अंदर एंटर करना है, तो आपको सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, ये सारी चीज़ें, आपकी जैकेट, ये सारी चीज़ें वेयर करनी ही होंगी, तभी आप अंदर जा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी तरीके का एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई भारी सामान ही आपके सर पर गिर गया, तो अगर आपने पीपीई पहनी है तो आपको हेलमेट पहना है तो आपको सर में चोट नहीं आएगी, ठीक है। वहाँ उड़ने वाली जो धूल है उसके लिए अगर आपने ग्लासेस पहने हुए हैं तो उस तरीके की धूल आपकी आइज़ में एंटर नहीं करेगी। अब कुछ केमिकल भरे जो भी यूज़ करते हैं मटेरियल, जैसे कि सीमेंट हो गया और भी बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर उनसे आपके हैंड डैमेज होने से बच सकते हैं, तो अगर आप हैंड ग्लव्स पहनते हैं तो आपके हाथ बहुत हद तक सेफ़ रहेंगे। सेफ्टी शूज़ इसीलिए पहना जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई भी सामान कभी भी आपके पैर पर गिर सकता है, ईंट गिर सकती है, कोई पत्थर गिर सकता है, कुछ भी इक्विपमेंट आपके पैरों पर गिर सकता है, तो सेफ्टी शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। ईयर मफ आपके कानों को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ होने वाले इतने सारे जो नॉइस हैं, जो हो रहे हैं, जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, और अगर रेगुलर उनके कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको डीफनेस जैसी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप ईयर मफ पहनते हैं तो बहुत हद तक आप इस तरीके की चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पीपीईज का खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा रोल है, अगर आप समझें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे आप बचना चाहते हैं और ख़ुद को सेफ रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक्सीडेंट तो बाद में होगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपको पहले से ही हार्म होना शुरू हो जाएगा, तो आप इन चीज़ों पर अगर ध्यान देते हैं तो आप खुद को सेफ रख सकते हैं और अपने साथ के एम्प्लॉयज़ को, कुलीग्स को भी सेफ रख सकते हैं, वर्कर्स को, जितने भी वर्कर्स हैं उनको, ठीक है। तो जब भी फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से पीपीई वेयर करना है। कोई भी वर्क अगर आप करने जा रहे हैं तो विदाउट पीपीई आप वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, किसी किसी साइट पर चेकिंग भी की जाती है, योर लोगो हेयर, मतलब आपको चेक किया जाएगा कि आपने आई प्रोटेक्शन पहना है, आपने हाई वेस्ट पहना है, सेफ्टी फुटवेयर है, सेफ्टी ग्लव्स हैं, एयर प्रोटेक्शन और सेफ्टी हेलमेट आपने वेयर किया है या नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो बहुत ही डेंजरस होती है और वहाँ पर अनऑथराइज पर्सन को जाना भी अलाउ नहीं होता है। तो जो भी पर्सन हैं उनको सेफ्टी शूज़ और पूरे सेफ्टी के साथ ही जाना ज़रूरी है, ठीक है, वही एंटर उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो और वहाँ पे एक चीज़ और होती है, कोई भी विजिटिंग पर्सन है, अदर पर्सन है, विजिटिंग पर्सन है, साइट विजिट करने आए, तो उसे रिपोर्ट करना होगा साइट ऑफिसर को, जो भी आपका साइट ऑफिसर है उसे, ठीक है। तो जब आप पूरा चेक हो जाते हो तभी आप अंदर एंटर कर सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, पूरा मेंटेनेंस सेफ्टी का देखा जाता है, क्योंकि होने वाले एक्सीडेंट से होने वाले एक्सीडेंट से तो बाद में चोट लगेगी, पर ऐसे चीज़ों से आप पहले हार्म हो सकते हैं ना, तो आपके फुल बॉडी प्रोटेक्शन पहनना, पीपीईज वेयर करना बहुत कंपलसरी है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ठीक है। साथ ही एक चीज़ और है, जैसे कि अब आपको जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस देखने हैं ना, तो जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या आते हैं, क्या आप कोई वर्क करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास वर्क परमिट है, ठीक है। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो क्या जो लेटर आप यूज़ करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं वर्क, क्या वो आपका सुपरवाइज़र ने आप उसे सुपरवाइज किया है, उसे अवेलेबल कराया है, क्या वो अच्छी कंडीशन में है, प्रॉपर एक्सेस है उसमें लेटर में, ऐसा तो नहीं कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर चढ़ने में, उतरने में, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको चेक करनी होंगी, आपके पास हार्नेस है तो क्या वो अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि आप कोई सामान अगर उठा रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो क्या आप प्रॉपरली उसे उठा पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, क्योंकि जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस यही कहता है कि आप जो भी काम करें क्या आप उसमें फिट हो पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
जैसे कि अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस भी लगाए जाते हैं। क्वेश्चंस किस लिए लगाए जाते हैं? जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, इधर से अब दूर रहिए, सेफ्टी हेलमेट पहनने के लिए वार्न करना, ठीक है, डेंजर कीप आउट, मतलब खतरा है आप दूर रहिए थोड़ा सा, विजिबिलिटी जैकेट्स आप वेयर ज़रूर करें जिससे कि लोग आपको पहचान सकें, ठीक है, शो कर रहा हो विजिबिलिटी जैकेट आपको कि आप यहाँ हैं, ठीक है। डीप एक्सकवेशन चल रहा है वहाँ पे आप क्वेश्चन लगाएं जिससे कि पता चल सके कि यहाँ क्या चल रहा है, एक्सकवेशन चल रहा है, खुदाई चल रही है, ठीक है। अनऑथराइज्ड पर्सन अलाउड नहीं होते हैं साइट पे, अगर वो आते हैं तो उन्हें विजिटिंग कार्ड प्रोवाइडेड होना चाहिए तभी वो अंदर एंटर कर पाएंगे, ठीक है। सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें आपको पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेंजर ऑफ डेथ, मतलब मौत का खतरा जहाँ होता है वहाँ इस तरीके का क्वेश्चन लगा रहता है। क्या हो सकता है वहाँ? या तो हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा हो या कोई और वर्क चल रहा हो जिसकी वजह से आपको जान को खतरा हो सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जर्नल सेफ्टी हम इस तरीके से भी रख सकते हैं वहाँ पर, और बाकी पीपीस तो आपको पहननी है, और बाकी जो क्वेश्चन वाली सेफ्टी है वो लोगों को अवेयर करने के लिए लगाई जाती है ना। तो ये जो है ये पीपी से रिलेटेड मैंने आपको बताया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कितने इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरा सेफ्टी से रिलेटेड हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे आप कैसे पीपीज वेयर करें, क्यों ज़रूरी है, कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ खतरा है, कैसा जो भी खतरा है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए कोई भी साइट हो, कंस्ट्रक्शन के अलावा कोई भी वर्क हो, कोई भी वर्क प्लेस हो, सभी जगह सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सेफ्टी तभी रख सकते हैं जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो, है ना, होने वाले एक्सीडेंट क्या हैं, किस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप तभी जान पाएंगे जब आपको इसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है। तो मैंने आज ये आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट बताया कि आप क्या क्या चीज़ें वेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू।